स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया है 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। तो इसमें स्टूडेंट आपको केवल ध्यान देना है कि x हमारा नेगेटिव ना होने पाए, अगर हो भी जाएगा तो थोड़ा सा लेंदी होगा या आपको इनइक्वालिटी का चेंज समझना होगा, लेकिन अगर आपने x को पॉजिटिव ही रखा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है इस केस में। इसलिए आपसे कहा कि कोशिश करें कि x हमारा पॉजिटिव रहे। तो उसी में हम देखते हैं, अगर हम 6x को लेफ्ट में लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 4x को राइट में ले जाएंगे तो x हमारा पॉजिटिव बना रहेगा। तो वही करते हैं, 7 को लाते हैं लेफ्ट में, तो ये हो गया 3 - 7 इज लेस देन 6x - 4x। 3 से 7 जाएगा -4 इज लेस देन 2x, 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा -4 इज लेस देन x, और ये 2 यहाँ डिवाइड हो गया, 2 से 4 हुआ 2 टाइम डिवाइड, तो x इज ग्रेटर देन हो गया -2। x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है। अब यहाँ हमें नंबर लाइन पर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन हो जाती है, इधर होगा -∞ लेफ्ट में और राइट में होगा +∞। अब हमें -2 से ग्रेटर बताया, तो यहाँ पर हमने ले लिया कोई -2 नंबर, ये हो गया -2, तो ये -2 से ग्रेटर है, तो -2 से जो ग्रेटर होगा तो ये राइट में आएगा, तो राइट में आएगा तो इसको हम यहाँ पर ये सर्किल ले लेते हैं और इसको डार्क कर देंगे, तो डार्क करने पर ये हमारा दिखाएगा सॉल्यूशन राइट में, ये इसको हमने यहाँ डार्क कर दिया, आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको डार्क करना है, तो ये आपका दिखाएगा -2 से ग्रेटर x। कैसे, आप अगर इंटरवल में दिखाना चाहते हो तो -2 to +∞, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा -2 to +∞। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। तो 3x - 7, हमने कहा था कि x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, तो -7, 1 को राइट से लेफ्ट में लाएंगे प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन 5x, 3x को राइट में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, -6 इज ग्रेटर देन 2x, -6 डिवाइड होंगे 2 से, x यानी कि -3 से लेस हो गया x, x की वैल्यू हो गई 3 से -3 से लेस। तो इसको देखो, हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -3 से लेफ्ट ये हो गया -∞ और ये हो गया +∞। यहाँ हमने कोई नंबर ले लिया मान लो -3, तो -3 से लेफ्ट लेस लेफ्ट में आएगा, और इसी को हमने बताया हम कर देते हैं डार्क, और यहाँ पर एक ले लेते हैं ओपन जैसा सिंबल सर्कल का, तो ये आपका -3 से इन्फिनिटी तक होगा। तो क्या आया नंबर, अभी यहाँ क्या था हमारा, ये -2 से ये सॉल्यूशन हमने लिया था, तो एक्स की वैल्यू हमारी थी, तो -2 से, हाँ ठीक था ये, इसी को हम ले लेते हैं इसमें, तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, यहाँ इसको डार्क कर दिया, तो ये -3 और -∞, ये ओपन इंटरवल होगा, -∞ हमेशा ओपन में ही आता है, तो -3 से -∞। 7th देखते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3x - 3
इज लेस और इक्वल टू 2x-6। 2x को लेफ्ट में लाएंगे तो 3x-2x लेस और इक्वल टू -6 + 3 x-3। एक्स इज लेस और इक्वल टू हो गया -3। ये लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व तो हम करते हैं लीनियर इक्वेशन की तरह ही, केवल इनइक्वालिटी का ध्यान रखते हैं कि ये कहाँ चेंज होती है। तो एक्स इज लेस और इक्वल टू आ गया -3। अब इसके लिए भी हम नंबर लाइन लेते हैं, तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा। -3 से लेस और -3 के इक्वल, तो ये -3 हो गया और -3 के इक्वल और लेस, तो ये आएगा लेफ्ट में। इसको हमने बताया था डार्क कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमने सर्किल लिया है, जब इक्वल टू है यानी कि 3 के इक्वल भी है, तो इसको भी हम डार्क कर देंगे यहाँ पर। तो ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा -3 पर क्लोज आएगा और ये -∞ पर ओपन इंटरवल। ये सॉल्यूशन हो गया आपका 7th का। देखते हैं 8th का क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है 3x-2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x-1। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसका भी। 3x-2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x-2। 3x को राइट में ले जाएंगे, 2 को लेफ्ट में लाएंगे, तो 6-2 इज ग्रेटर और इक्वल टू -2x + 3x। तो ये हो गया 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू x। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर सॉल्यूशन को। तो नंबर लाइन ये हमारी हो गई -∞ और ये है +∞। हमें लेना है 4, तो यहाँ पर हमने ले लिया 4। x है लेस और इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 में इसको भी हम सर्कल को डार्क कर लेते हैं और ये आएगा लेफ्ट में। तो इसको भी हमने डबल डार्क कर दिया। और जब आप इसे इंटरवल में लेंगे तो इंटरवल में आ जाएगा -∞, तो आएगा ओपन में, और 4 आ जाएगा आपका क्लोज में। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। जब इक्वल टू होता है यानी कि 4 भी इसमें होता है तो क्लोज आता है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ओपन होता है तो दोनों साइड से ओपन आएगा इंटरवल। 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है x + xy2 + xy3 इज लेस देन 11। मैंने बताया था कि इनको सॉल्व करते समय वही जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होते हैं वैसे ही होंगे, केवल इनइक्वालिटी कहाँ चेंज होती है वो देखना है। पहले तो कोशिश करते हैं इनइक्वालिटी चेंज ना होने पाए। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर LCM लेते हैं इनका। 6 LCM आया, तो ये हो गया 6x, 2 3 6, 3x, 3 2 6, ये 2x इज लेस देन 11। 6 3 9 2 11x इज लेस देन, 6 को राइट में भेजेंगे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, x इज लेस देन 11 को राइट में भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया x इज लेस देन 6। तो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा -∞ हुआ, ये +∞ हुआ, और ये यहाँ पर हमने ले लिया 6, ये है लेस देन 6। तो लेस देन 6 में ये
ओपन रहेगा और इसको हम डार्क कर देंगे इधर, तो ये इंटरवल में जब हम दिखाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी और सिक्स दोनों ओपन में आएंगे। अगर ये इक्वल टू भी होता तो इसको हम डार्क कर देते और ये यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगता तो इंटरवल क्लोज हो जाता सिक्स के लिए, इन्फिनिटी माइनस में उसके लिए ओपन ही रहता। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ है हमारा एक्स अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन, एक्स अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन टू प्लस वन। तो इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन टू प्लस वन, तो एक्स अपॉन थ्री ग्रेटर देन, यहाँ एलसीएम लेंगे टू आया तो एक्स प्लस टू। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, टू का होगा एक्स में तो टू एक्स इज ग्रेटर देन थ्री का होगा इसमें तो थ्री एक्स प्लस टू, तो टू एक्स इज ग्रेटर देन थ्री का ब्रैकेट में होगा तो थ्री एक्स प्लस सिक्स। टू एक्स को राइट में ले जाएं तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स और सिक्स को लेफ्ट में लाएं तो ये हो गए माइनस सिक्स, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी तो ये हो गया एक्स इज लेस देन माइनस सिक्स। अब इसको जब हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, ये है हमारा प्लस इन्फिनिटी और ये यहाँ पर हमने माइनस सिक्स ले लिया तो ये माइनस सिक्स से लेस है और ओपन इंटरवल होगा तो ये लेफ्ट में आएगा, इधर हमने डार्क कर दिया और ये माइनस इन्फिनिटी और माइनस सिक्स दोनों ओपन इंटरवल में होंगे। ये आपका सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। थैंक यू, नोट इट।